लोग नए साल की शुरुआत होटल में जाकर जश्न मनाकर करते हैं तो? और एक तुम हो कि मुझे बस एक फिल्म दिखाकर छुट्टी पा ली, वो भी भूतों की फिल्म। कितनी डरावनी फिल्म थी, डरावनी हवेली। वैसे तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी, थिएटर में सबसे ऊंची चीख तुम्हारी थी। लोग फिल्म से कम तुम्हारी चीख से ज्यादा डर रहे थे। जब मैं कुंवारी थी ना तो म्यूजिक क्लास में सबसे ऊंचा गाने के लिए मशहूर थी। ओ अच्छा अच्छा, जब कुंवारी थी तो गाती थी, शादी के बाद गिर्राने लगी। तुम्हारे जैसा बेरोजगार पति हो ना तो सुरीली कोयल भी बेसुरख कौवा बन जाएगी। थैंक यू, बाकी की तारीफ घर के अंदर चलकर कीजिए। चलिए तशरीफ का टोकरा ले चलिए। ये तो निकाल रहा हूं डार्लिंग कि तुम मुझसे डरी रहो। अरे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, हमारे जैसा भूत कहां मिलेगा। हाँ तुमको दिखलाता हूं इंडिया की अंधेरी रात, देखो 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 देखो, देखो हमारा भूत बंगला। ये लाइट क्यों नहीं जल रही? तो सबकी लाइट जल रही है, कहीं बिजली वाले लाइट तो नहीं काट गए? कितनी बार बोला है बिजली का बिल भरने का इंतजाम करो। अरे बिल बिल बिजली बिजली मैं क्या जानू रे, बिल बिल बिजली बिजली मैं क्या जानू रे, अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तो राजा बनूंगा रे। बिल बिल बिजली का बिल भरने के लिए पैसे तो है नहीं, राजा बनूंगा रे। हे राम अब क्या करूं, बिजली भी आज ही कटती थी, एक तो भूतों की फिल्म, ऊपर से पूरे घर में अंधेरा। क्या टाइमिंग है, नहीं लगता इन लोगों को पता चल गया हम कौन सी फिल्म देखने गए थे, डरावनी हवेली। करें खाना पकाओ। घर में दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है और कहते खाना पकाओ। अरे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाना जिनके नाम था गया उनके पास, पर उन पे तुम्हारा नाम कब लिखा होगा? अर्ली मॉर्निंग तुम नमस्कार का चमत्कार देखना, दाने भी आ जाएंगे और बिजली का बिल भी पे हो जाएगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम कुछ कपड़े तो पहन लो एकदम से। इस दहेज़ का कुछ तो फायदा उठा लो डार्लिंग। अरे वाह क्या हुआ? मोहब्बत में डार्लिंग विलेन आ गया। मच्छर भी कहती हूँ कपड़े पहन लो। डार्लिंग हम जब कुछ तय कर लेते हैं तो सर पे कफन बांध के कर गुजरते हैं। वाह वाह क्या माहौल है, क्या माहौल है चोरी करने का। चलो पानी पीकर पसीने का हिसाब किताब बराबर करते हैं। कहीं दीप जले जरा दीप ले आओ कर परवानी। चादर और ये गाना, अरे बाप रे लगता है मैं किसी भूत बंगले में आ गया यार।
मच्छर, ऊपर से ये गर्मी। अरे ये कहाँ गए? कहीं फिर से नींद में तो नहीं? उफ, ठीक से सो भी नहीं सकती। हे भगवान, तंग आ गई हूँ मैं इनकी नींद में चलने की बीमारी से, वो भी नंगे। अरे ये पुलदरी चला रहा यार, अब भागू किधर से? अरे इस मोमबत्ती की रोशनी में तो पकड़े जाने के पूरे पूरे चांस है यार। सबसे पहले मोमबत्ती को उजाने का जुगाड़ किया जाए। अरे बाहर का दरवाजा भी खुला है, लगता है कहीं चले गए। जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद एक चोर निकलता है सर। कहानी खत्म। जीवन देरा साया दूर जा रहा है। आधी रात ले बेटे, ये आखिरी चांस है, पुतली गली से निकल ले तू। एक तो भूत की डरावनी पिक्चर दिखा दी और फिर खुद भूत की तरह गायब हो गए। ऊपर से घर में अंधेरा, अंदर जा नहीं सकती, डर लगता है। करूं तो क्या करूं? माचिस, ये माचिस कहां गई? शीला, शीला, अरे शीला भी गायब। शीला तुम कहां हो? अरे मैं तो यहां हूं, तुम कहां हो? ये आवाज है, भूत भी है, चुड़ैल भी है। लगता है पूरी की पूरी टोली पड़ गई मेरे पीछे। अरे भाग ले, मुझी मुझे जाने दो मुझी। मुझे तेरा बरसों से इंतजार था। मुझ जैसे घटिया आदमी का इंतजार। घटिया आदमी का खून बड़ा स्वादिष्ट होता है। तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप कौन सा है? अपनी छाती के खून का एक पैक बना ले। आइए हवलदार साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार 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 नमस्कार। चोर कहाँ है? चोर आपके सामने है। जिंदा है या मुर्दा? बेहोश है। बेहोश? बेहोश, बच गया साला, वरना हम उसे मार मार कर सीधा कर देते। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर तो बाद में सीधा होगा, ये बताइए आप सीधा होने का क्या देंगे? बता दो अपना रेट, पहले केस तो समझ ले सर। यू आर राइट राइट राइट। इंस्पेक्टर साहब, चोर को गिरफ्तार करने के बजाय उसका हाथ
देख रहे हैं? अरे हमारे साहब बहुत बड़े पंडित है, तकदीर इन्हें बहुत बड़ा ज्योतिषी बना देती, मगर इनके बाप ने इन्हें जबरदस्ती पुलिस में भर्ती करा दिया। इनका हर भविष्यवाणी सही होती है। कैसे? गया, गया डेढ़ साल के लिए अंदर। वो आप कोर्ट में आके केस सुन लीजिएगा, ये तो डेढ़ साल के लिए अंदर गया ही। वैसे आप बड़े महान हैं, अकेले चोर पे काबू पा लिया, आपको डर नहीं लगा? डर किस चिड़िया का नाम है? इस बस्ते में क्या है हवलदार? बॉम्ब कांड तो नहीं है? चेक करो, चेक करो इंस्पेक्टर साहब। मेरा घर कोई धार्मिक स्थान नहीं है जो चोर बम लेकर यहाँ आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कल रात मेरे घर में डकैती हो गई। मैं लुट गया इंस्पेक्टर साहब। डकैती? कल रात किसी ने मेरी बीवी की। क्या? ये ना आपकी बीवी की? यानी कि भाभी जी की? लुट गई? हाँ भाई हाँ, लुट गई मेरी बीवी की ज्वेलरी। नहीं ये वो तो नहीं। हाँ ये तो लेकिन यहाँ कैसे आई? अरे कल रात इन्होंने इस चोर को पकड़ा और आज सवेरे हमारे हवाले किया। उसी की बैग में मिली। समझ गया तिलकराजी आप गेट है, तिलकराजी की जो है। अरे इंस्पेक्टर साहब। अजय इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या हुआ? अब तुम्हारी बीवी की भी? अरे हमारे तो बीवी नहीं जी। हमारे घर में कल रात बैंक रॉबरी जी। घर में बैंक रॉबरी? ये तो बड़ा उलझा हुआ केस लगता है। मेरा घर में एक गुल्लक। गुल्लक? अब पिगी बैंक जी। पिगी बैंक? पिगी बैंक मेरे सारे जिंदगी का बचत जी, वो राब हो गया जी। मिल गया पिगी बैंक, मिल गया। हाँ? ये तो हमारा जी। हाँ? ये यहाँ कैसे आया राजा साहब? देखिए जी, मैंने रात को चोर को पकड़ा। यू आर मेरे प्रेम मैन ऑफ दिस कंट्री। राजा जी, हम आप जैसे शहरी को सलाम करते हैं। लेकिन बताइए, आपके घर से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना जनाब? क्या गायब है और क्या मौजूद है, ये तो नजर नजर की बात है। देखिए, आंखें खुली है लेकिन नींद गायब है। खुशी मौजूद है लेकिन होठों से हंसी गायब है। मौजूद है लेकिन किचन से राशन गायब है। लेकिन इस बस्ते में तो आपका राशन है नहीं। अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, घर से तो गायब है। मैं आपके लिए एक मिनट में एक किलो आटा और एक किलो दाल लेकर आता हूँ। मेरा दिल दरिया। दरिया? मेरा दिल समुद्र। तो क्या राजा साहब का एक एक किलो आटा दाल का बात करता, इंसल्ट करता राजा साहब का? राजा साहब, मैं आपके लिए डेढ़ डेढ़ किलो बासमती चावल, राजमा और मसाला सांभर सब लेके आता। तुम क्या मसाला की बात करता है? राजा साहब, मैं आपके लिए लाता हूँ दूध दही लस्सी। लस्सी की बात करते थे, मैं अभी जाके मार्केट से सारा वेजिटेबल लेकर आता। अरे चला, तेरा हमेशा सस्ती चीज लेकर आता है। मैं लेकर आता हूँ आलू, सेब, मौसमी, सब फ्रूट्स। बस मैं अभी गया और अभी आया। राजा साहब, मैं चे को कहला, मैं अभी जाके सब कुछ लेकर आता। प्रभु, ये इन्हें क्या हो गया? क्या हो गया साहब? अरे अरे, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये महात्मा है, ये तो राजयोगी है। राजयोगी? नहीं, ठीक है, नहीं। हवलदार, तुम इस चोर को हवालात में ले जाओ। मैं इस महान आत्मा के साथ बैठकर कुछ समय बिताकर अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ। यह आपके महात्मा है तो आप मेरे परमात्मा है। मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं, कहां जाऊं, क्यों जाऊं? ठीक है सर, ठीक है। प्रभु, क्या मैं आपकी कुंडली देख सकता हूं? अवश्य। भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार। संतरा, एप्पल, केला, दूध, ये सब आप लोग अपना सामान यहाँ क्यों रख रहे हैं? अरे भाभी जी, ये सब तो आपके लिए है। सिस्टर, आपका हस्बैंड अशोक का दी ग्रेट, अशोक का दी ग्रेट,
कल रात उन्होंने एक चोर को पकड़ा जी। राजा साहब ने चोर को पकड़ा? हाँ भाभी जी, और उस चोर ने हम दोनों का सामान भी चोरी किया था। मेरा पिगी बैंक जी रिकवर किया। भाभी जी, ये सब सामान तो हम अपनी खुशी के लिए आपको दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद। सर सर, चोर होश में आ गया। नमस्कार चोर जी। अरे चोर होश में आ गया होगा, लेकिन मेरे तो होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये क्या कुंडली है, क्या कुंडली है ये। साहब जी, कुंडली का राजयोग जरा विस्तार से बताइए। अरे अरे, क्या क्या बताऊं मैं, क्या क्या बताऊं। राजा जी के कुंडली में तो कमाल ही कमाल है। कमाल तो आप कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ बैठकर जन्म कुंडली देख रहे हैं। जाइए आप अपनी ड्यूटी पर जाइए, और इन्हें भी कुछ काम करने दीजिए। ये प्राणी इस धरती पर काम करने नहीं, राज करने आया है। राज, ये राज योगी है भाई। भाई, भाई किसको बोला रहे? ये घर की भाई है ना, ये मेरी पत्नी है। क्या कह रहे हैं राजा साहब, ये और आपकी पत्नी? सॉरी यार। नहीं सॉरी तो आई एम, दरअसल सरासर ये मेरी गलती है। राजा साहब, यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज कर गए क्या? इंस्पेक्टर साहब, मोहब्बत करते वक्त किसे पता होता है कि 5 साल के बाद किसका कैसा हुलिया होगा। ये क्या खुसरपुसर लगा रखी है रानी साहबा? इनकी कुंडली में तो घोड़े हाथी, एक गधा भी नहीं है। अगर वो होता तो कम से कम धोबी तो बन जाते। इनके पास गाड़ियां होंगी। चलो ड्राइवर की नौकरी ही सही। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको बंगलों में दिखाई देंगे। किसी के बंगले में चौकीदारी कर लेना, वो भी मंजूर है मुझे। कम से कम वर्दी और डंडा तो मिलेगा। रानी साहबा होके ऐसे तुच्छ विचार। एक ए ग्रेड पति की सी ग्रेड पत्नी। बस बस, ज्यादा फेंको मत इंस्पेक्टर साहब, जाओ। इन्हें अभी जाकर बिजली का बिल भरना है और पैसों का जुगाड़ भी। रानी साहिबा, मुझ खाकसार को इस खिदमत का मौका दीजिए। हवलदार। यस सर। जाके राजा साहब का बिल भर के आओ। ओके सर। सर लेकिन वो क्या? ओ पैसा। ओ राजा साहब, अगर पैसे ज्यादा है तो मुझे कर दीजिए। लीजिए अपना बटुआ। बटुआ? कितनी लापरवाही से बटुआ किचन में गिरा रखा है, और वो भी इतने झूठों के साथ में। अरे वाह, बटुआ भी आ गया, दो पैसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, राजा साहब नहीं, राजा साहब नहीं नहीं नहीं। हवलदार, शर्म नहीं आती? राजा साहब के साथ तुम नोट चिल्लर की बातें करते हो? जाओ बिल जाके जादव के पास दे दो, और कह दो इंस्पेक्टर नायक ने दिया है। अरे आज तक मैंने बल्ब के पैसे नहीं दिए, बिजली के पैसे कैसे मांग सकता है? जाओ, वो अपने जेब से भर देगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है। ना ना राजा साहब, गुजारिश मत कहिए, आप हुक्म फरमाइए, सिर्फ हुक्म फरमाइए। वो ये है कि मेरे ख्याल से इस बेचारे चोर को छोड़ दो। इस चोर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं आप? क्योंकि माफी सजा से बढ़कर होती है, और वैसे भी इस बेचारे ने सारी रात इस हालत में रहकर अपनी सजा काट ली है। आप जैसे बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। चलो छोड़ दिया। आपने तो कमाल कर दिया साहब जी, मैंने आपके यहां चोरी की और आप। ये सब है नमस्कार का चमत्कार। नए साल के पहले दिन खा लो कसम कि कभी ना करोगे चोरी डकैती और हेरा फेरी मेरे यार। ये रहा तुम्हारे नए साल का इनाम, नया साल मुबारक हो। आप तो फरिश्ते हैं साहब जी। कई बार जेल में मैंने सजा काटी, पर सजा मुझे वो नहीं सिखा पाई जो आपके प्यार ने मुझे सिखाया। नए साल का मैं आपको वचन देता हूँ साहब जी, आज से चोरी चकारी बंद। साहब जी, ये मेरी तरफ से कबूल कीजिए। क्या? नहीं नहीं, नए साल के लिए मेरी तरफ से आपके लिए गुरु दक्षिणा साहब जी। देखा मेम साहब, राजयोग का कमाल, राजा जी की। साहब जी,